डेटा वैलिडेशन के बारे में कुछ आइडिया है? मैंने डेटा भेज दिया था ना वीडियो, या नहीं? नहीं, क्या होता है डेटा वैलिडेशन? जैसे हमें सुबह से मतलब एग्जाम्पल देके समझा सकती हूँ। हाँ, जैसे सपोज मुझे कोई स्टेटस चाहिए येस या नो में, तो हम एक वैलिडेशन लगा देते हैं जो छोटा डेटा स्टैंडर्ड रहे, वो येस और नो की वैलिडेशन से ड्रॉप डाउन में येस और नो आ जाएगा। तो अगर येस है कि कोई उसमें एंट्री एक्स्ट्रा करेगा तो वो रेड मार्क में दे देता है, सो दैट आपके प्रॉपर डेटा का फॉर्मेट सेम रहे, जो भी किसी को भी एंट्री करनी है या ग्रुप में डालना है कुछ करना है। वैसे डेटा वैलिडेशन का मतलब अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, टू प्रिवेंट इनवैलिड डेटा एंट्री इनटू अ सेल और अ रेंज। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि मेरे को दो ही चीज़ें चाहिए, या तो यस चाहिए या तो नो चाहिए। अब कोई बोलता सोच के बताएंगे, देखेंगे, ऐसे वर्ड आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है? सो डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है टू प्रिवेंट इनवैलिड एंट्री इनटू अ सेल और रेंज। अच्छा, जितना इन्होंने बताया और इंडस्ट्री में जितने लोग करते हैं वो सिर्फ इतना ही डेटा वैलिडेशन का मतलब ही इतना ही समझते हैं, जो डेटा वैलिडेशन का 1% पार्ट होता है। डेटा वैलिडेशन का 1% पार्ट होता है जो इन्होंने बताया, और इंडस्ट्री में भी ज़्यादातर 90% लोग वही समझते हैं, बस ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना मतलब डेटा वैलिडेशन, ठीक है? डेटा वैलिडेशन को थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हमें 3 स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, या 3 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम सेटिंग्स करेंगे, उसके बाद आपका होता है इनपुट मैसेज, और एक होता है एरर अलर्ट, या अलर्ट मैसेज भी बोलते हैं, एरर अलर्ट। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। जस्ट फॉर एग्जांपल एक लेते हैं छोटा सा, कि मान लो कि यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर की एंट्री करवानी है ए कॉलम में, तो मोबाइल नंबर के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट नीड होगी वो क्या होगी, कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट में हो, नहीं? अब 10 डिजिट में 93 से शुरू हो सकता है, 94 से हो सकता है, 99 से भी हो सकता है, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। द मेन पॉइंट इज कि वो 10 डिजिट में होना चाहिए, अगर कोई 10 डिजिट से कम या ज़्यादा डाले तो उसको इनवैलिड माना जाएगा, राइट? सो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अभी हम कुछ भी डाल दो, मोबाइल हेडिंग बेशक मोबाइल नंबर लिखा, कुछ भी डाल दो आप ले लेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के किसी भी सेल में डेटा वैलिडेशन नहीं लगा होता है, फ्री होता है, हमें डेटा वैलिडेशन लगाना है। तो मैं एक सेल सेलेक्ट करूँगा, डेटा टैब के डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, ये है डेटा वैलिडेशन। बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ में क्या लिखा है, दैट इज़ व्हाई यू कैन एंटर एनीथिंग। यहाँ पे चेंज करके हमें लेना है टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ मतलब होता नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी का 12 डिजिट का रहेगा, राष्ट्रपति का 16 डिजिट का रहेगा और आपका 8 ही डिजिट का रहेगा, जॉब वाले का 10 डिजिट का रहेगा, ऐसा तो नहीं है। दुनिया में जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो 10 डिजिट का होगा, इंडिया में स्पेशली, नहीं? तो हम यहाँ पे बिटवीन का कॉन्सेप्ट नहीं रख के क्या रखेंगे, इक्वल, कितने कैरेक्टर, 10। ओके कर दोगे, पहले सेल में डेटा वैलिडेशन लगा है, दूसरे सेल में डेटा वैलिडेशन नहीं लगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो कोई एरर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैं वही चीज़ें लिखता हूँ तो एरर आया, अभी एंटर करने ही नहीं देगा। अच्छा, जो बोल रहा है वो भी समझो, द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। इस सेल के लिए जो भी डेटा वैलिडेशन की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है उसको मैट नहीं कर रहा है ना, है ना? यही हुआ ना? अगर आप इसमें 9266728211 डालते हो तो बिना कुछ बताए ही आराम से वो डेटा एक्सेप्ट कर लिया,
अब आती है कि कुछ पता भी चले हम लोगों को कि इसमें लगा हुआ है इसमें नहीं लगा हुआ। तो डेटा वैलिडेशन में सेकेंड पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट मैसेज। क्या बोलते हैं? इनपुट मैसेज। और यहाँ पे आप आ जाओगे और इनपुट मैसेज में आप अपने तरीके से कस्टमाइज वे में आप मैसेज लिख सकते हो, जैसे प्लीज एंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर विदाउट स्टडिंग कोड और जीरो। कोई जीरो लगा के डाल देता है, कोई 9192 कर देगा, आपने वो भी क्लियर कर दिया। अब ये देखो फर्क है कि इसमें नहीं लगा है और इसमें लगा है, तो एक मैसेज भी आ रहा है वही जो आप चाहते हो इनपुट। क्लियर हुआ? इनपुट बोल रहा है फिर भी हम गलती कर रहे हैं। तो जो मैसेज आ रहा है ना, इस मैसेज को भी कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। सो दैट इज कॉल्ड तीसरा पार्ट, उसको एरर अलर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरर अलर्ट। तो एरर अलर्ट में जाएंगे, बोलेंगे अपने हिसाब से कि दिस मोबाइल नंबर इज नॉट वैलिड। सिंपल। और चाहते हो तो और लिख दो, प्लीज ट्राई अगेन। नहीं, ओके करेंगे। तीनों सेटिंग्स मतलब तीनों पार्ट्स इसके हमने कंबाइन पूरे कर लिए। बट ये जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया है हमने, वो एक सेल में लगाया है या पूरी सेल में लगाया है? अभी एक ही में लगाया है। इसको कर लो कॉपी और जितनी दूर जरूरत है पेस्ट स्पेशल एज ए नहीं वैलिडेशन। समझ आए? वैल्यू के बाद एक आगे भी है जिसका नाम है वैलिडेशन, यानी जितनी वैलिडेशन आपने लगाई है उसको ये पेस्ट स्पेशल में पेस्ट हो जाए। अब वो चीजें अब हर सेल के लिए अप्लीकेबल होंगे। देख रहे हो मैसेज सब में दिखने लगा, रेस्ट्रिक्शन सब में लग गया, एंट्री ही नहीं होने देगा जब तक कि आप सही एंट्री नहीं करोगे। आप अपना नंबर लिखो या दूसरे का नंबर लिखो, नंबर 10 डिजिट में टेन लिखा, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमने लिख लिया लवली, कितना हो गया? 6, एक और स्पेस 7, झा, लवली झा, तो ये तो 10 हो गया। ये कौन सा मोबाइल नंबर? बात समझ में आई? प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया कि मैंने रेस्ट्रिक्शंस नंबर ऑफ कैरेक्टर के ऊपर लगाया है, ना कि ये नहीं बोला कि आप नंबर ही डालो या कैरेक्टर डालो। बट आपने मैक्सिमम काम फिर भी कर दिया है। अब कोई गधाई होगा ना जो मोबाइल नंबर में नाम लिखेगा, ठीक है गलत करते हैं, बट ले लिया ना। मैं चाहता हूँ ये भी ना ले। ये पार्ट को हम एडवांस में देखेंगे, ठीक है? इस पार्ट को हम लोग एडवांस में देखेंगे, पहले और बात करते हैं। एक सेक्शन होता है इसमें डेट का और एक सेक्शन होता है टाइम का। कई ऐसे फॉर्म भरना होता है आपको जिसमें डेट फिक्स होती है, जैसे कोई आपको फॉर्म भरना है जिसकी डेट फिक्स कर दिया गया है कि 20 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में भर सकते हो। आप सोचो नहीं, आराम से दिसंबर में घूम फिर के आएंगे, शादी उदी मना के उसके बाद भरेंगे फॉर्म, तो आपके लिए फॉर्म वेट तो नहीं करेगा ना। तो डेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना भी तीनों एंगल से आपको लगाना है। एक सेल को ही सेलेक्ट करना है। सेटिंग में जाके इस बार क्या सेलेक्ट कर लेंगे? डेट। अब डेट तो बिटवीन का तो हमने बोला ही है, तो डेट को डेट फॉर्मेट में ही लीजिए। हमने बोला था 20 नवंबर 2022 से 25 नवंबर 2022 तक इनपुट मैसेज सरकारी जॉब्स ओपन है, फॉर्म भर लो। मतलब अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर वो डेट नहीं डले तो फॉर्म का डेट गलत निकल चुका है या
नहीं आया है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब कोई 20 नवंबर इसमें तारीख भर रहा है तो ये सेकेंड वाला बात हो गया ना कि फॉर्म का तो डेट अभी आया ही नहीं है, और आप आए आराम से 10 दिसंबर को, नहीं फॉर्म भर लेंगे आराम से, तब तक में तो फॉर्म का डेट तो निकल जाएगा। मतलब ये तो एक लैंग्वेज है, आप हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी जिसमें आप चाहे उसमें मैसेज आप करवा सकते हैं। सो ये हो गया हमारा तीनों पार्ट पूरा। अब क्या करेंगे, कॉपी क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और इस बार फिर क्या करेंगे, वैलिडेशन। आप तो वैलिडेशन करेंगे ना, समझ में आ गया। सेम टाइम का, अब बैंक का टाइम होता है 10 से 3, आप पहुंचोगे कि नहीं, हम आराम से शाम वाला ऑफिस ऑफिस क्लियर करके 7-8 बजे पहुंचेंगे, रहिएगा नहीं तब तो लिखेगा बैंक क्लोज उलट के लगा देता है। सेम लॉजिक, सेम सब कुछ इस बार ले ले रहे हैं। टाइम की रेस्ट्रिक्शंस, टाइम की बात है तो टाइम फॉर्मेट में 10 AM लिख दिया, और मान लो 3 ही बजे तक लिख देते हैं, 3 PM लिख देते हैं। इनपुट मैसेज में लिखते हैं वेलकम टू माय बैंक, और शाम में या सुबह में बैंक क्लोज। कॉपी पेस्ट स्पेशल एंड देन वैलिडेशन, ओके। नाउ कोई बंदा एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचा, उसके लिए वेलकम टू बैंक है, लेकिन कोई पहुंचा 5 बजे शाम में कि ऑफिस से निपट लेते हैं तब, और कोई सोचा कि मैं तो 9 बजे बैंक जाता हूं तो 8 ही बजे निपट लेते हैं सुबह सुबह जाके, नहीं सुबह पहुंच गए 8 बजे, क्या होगा, 11 बजे लेगा कि नहीं लेगा, 12 बजे लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। रात में कौन सा बैंक खुला है, ओहो ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं क्वेश्चन, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं तो जब क्वेश्चन होता है तो कभी कभी ऐसे भी फंसा देगा आपको AM PM में। ये रात वाला था, PM डालोगे तब लेगा, प्राइम मिनिस्टर लेगा, असिस्टेंट मैनेजर से काम नहीं चलेगा एज पर दिस, ठीक है। तो डेट हो गया, टाइम हो गया, अब आते हैं दो नंबर के ऊपर है, एक को डेसिमल बोलते हैं और एक को होल नंबर। अगर आप मान लो कि 1 से 1000 के बीच में कुछ नंबर डालना चाहते हो, डेटा वैलिडेशन में गए, सेटिंग में गए, और यहाँ पे हमने ले लिया डेसिमल 1 से 1000 तक, तो लोअर लिमिट तो फिक्स कर दिया, अपर लिमिट फिक्स कर दिया, सेटिंग वेटिंग कर लेना, मैसेज उसे दे देना, आप मैसेज में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 1 डालेंगे 1 हो जाएगा, 34 डालेंगे 34 हो जाएगा, लेकिन किसी ने 35.60 डाला तो लेगा कि नहीं लेगा, लेगा, क्योंकि हमने टाइटल क्या चेक किया था, डेसिमल। सेम सब कुछ रहेगा, लेकिन आपने यहाँ पे अगर होल नंबर चूज कर लिया, सब कुछ सेम है, तो ये होली नंबर को सिर्फ लेने देगा। अगर आप सोच रहे हो कि 45.67 ले लेगा तो नहीं लेगा, बाकी सेटिंग्स दोनों लगा देने हैं, इनपुट वाले भी और वो वाले, समझ में आए। इसके बाद आता है आपका लिस्ट, मतलब 99% इसी का मतलब लोग समझता है कि भाई डेटा वैलिडेशन होता है, जो मैडम ने बताया। अब फॉर्म भरते हो आप तो उसमें चूज करने का ऑप्शन होता है ना, मेल फीमेल अदर्स, तो क्लिक करते होगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलता है, उसमें से चुनना होता है। अब कंट्री में एक इंडिया चूज करने का ऑप्शन होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि इंडिया भी पाकिस्तान भी अमेरिका भी। अब इंडिया जो अखंड इंडिया था वो वाला सारा बर्मा पाकिस्तान बांग्लादेश सब जोड़ दो, ऐसा तो नहीं है, वन ऑप्शन। आपके बारे में पूछा जाएगा मेल फीमेल या अदर्स भी आजकल आता है, तो मेल फीमेल या अदर्स, या जो अपना आउट नहीं करना चाहता,
तो अदर्स के भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे राइट। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जो सबसे ज्यादा लोग यूज करता है वो करता है लिस्ट। लिस्ट में आ जाता है सोर्स, बट सोर्स में जाके क्या करोगे, जैसे यस कॉमा नो, ठीक है, स्पेस नहीं, कॉमा भी देना है और स्पेस भी देना है, मतलब एक यस एक नो, ओके करते हैं या अलर्ट लगा देते हैं। पहले दो लेते हैं, देखिए ये इस तरह से सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अब जैसे यहाँ पे आप बोलते हो अदर्स, लेने ही नहीं देगा, ठीक है, अप्लाई करना तो आप जानते ही हो। अब जैसे मेल फीमेल और अदर्स तीन पे लगाना चाहते हैं, कहाँ जाएंगे, डेटा वैलिडेशन के लिस्ट में क्या करेंगे, मेल कॉमा फीमेल कॉमा अदर्स, कुछ नहीं होगा उससे। ये देखिए समझ में आ रहा है। अब आपने सोचा ना मेल डालेंगे ना फीमेल डालेंगे, किन्नर डालेंगे, किन्नर भी आजकल एक हो गया ना, हाँ, तो लोग बोलता है कि इस नाम से मेरे को दो, ये लोग का केस चल रहा है, तो वो मिलने वाला तो फिलहाल नहीं है, जब मिलेगा तो तब तक आप अदर्स में ना। इसी तरह से मान लो कि आपके पास एम्प्लॉय है बहुत सारे, बहुत सारे एम्प्लॉय हैं और इन लोगों का आप बनाना चाहते हो, एक तो पहले या तो इसको कॉमा कॉमा करके लिखोगे यहाँ पे, या तो एक ऑप्शन होता है डायरेक्ट डेटा सेलेक्ट करने का, लिस्ट में जाके लिखने के बजाय आप क्या करोगे, कॉपी पेस्ट नहीं, ऐसे सेलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे तब भी पर ये बन जाता है, कोई इसको कॉपी कर लो जहाँ तक अप्लाई करना है, पेस्ट स्पेशल एज ए वैलिडेशन कर लो। इस लिस्ट में से कोई ऐसा नाम जो इस लिस्ट में है ही नहीं, मैंने संजय लिखा सीधे मना कर देगा, आप अगर मैसेज डाल देते हो कि दिस नेम इज नॉट अंडर माई लिस्ट या नॉट अंडर, कुछ इस तरह से कस्टमाइज करके, तो कस्टमाइज आप करवा सकते हो। इतना सब कुछ जो पढ़ा है ना, ये सबको क्या बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन, और उसमें भी ये डेटा वैलिडेशन का बेसिक पार्ट था। अब आती है डेटा वैलिडेशन का एडवांस पार्ट। क्वेश्चन पीछे वाला ही है, मोबाइल नंबर चाहिए, बट मोबाइल नंबर नंबर ही होना चाहिए, जैसे कि यहाँ किसी का नाम भी ले लेता है, ये कौन सा मोबाइल नंबर। अब आपको जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता है, जब तक आपको फंक्शन नहीं पता है, तो डेटा वैलिडेशन सोच ही नहीं सकते। देखो इसमें दो तरह का रेस्ट्रिक्शंस है, ये जो मोबाइल नंबर है वो कितने डिजिट का है, 10 डिजिट का, तो 10 डिजिट का मतलब कौन सा फंक्शन याद आ रहा है, और नंबर ही चाहिए उसके लिए कौन सा फंक्शन, इज नंबर, देखो तो सर आते हैं ना, इतना सारा पढ़ा था इफ, तभी पर आप पूछो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ही करवाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, एक पार्ट ये होता है कस्टम, जब आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो बनता है कि फॉर्मूला बनाओ, एक से ज्यादा हो तो कहां से शुरू करेंगे, एंड से, याद आ रहा है कुछ कुछ इफ में कि भूल गए इफ दो दिन में, एंड से शुरू करेंगे। पहला है कि जो लेंथ होना चाहिए किसका, इस सेल का, लेंथ तो खत्म हो जाता है यहां पे, कितना होना चाहिए, 10 कॉमा, इज नंबर किसका, इसी सेल का, क्या होना चाहिए, बात खत्म, जो एंड खुला है वो एंड क्लोज हो जाएगा, तो जो इफ का लॉजिक था वो सारे लॉजिक यहाँ पे काम आएंगे। यानी फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है, रेस्ट्रिक्शंस तो कुछ भी बनाना। अब इसमें इनपुट मैसेज एडिट मैसेज का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो, कॉपी करके ट्राई करके देखो, पेस्ट स्पेशल और वेरिफिकेशन क्या है,
9266728211 लेगा या नहीं लेगा? दस डिजिट का है, नंबर है, बिल्कुल परफेक्ट है। 92 लेगा कि नहीं लेगा? ज्यादा हो गया इसलिए नहीं लेगा। लवली झा, 10 तो है लेकिन ये नंबर नहीं है, इजी नंबर। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या लॉजिक लगता है। फिर से इफ के टाइम में जितने भी लॉजिक बनाए थे वो सारे रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और मैम एंड लगा देता है, एंड में सभी ही इंक्लूड करते हैं। आइए एक दो एग्जांपल से ही समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैंने बोला ए कॉलम में, इन ए कॉलम ओनली नेम अलाउ इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए, मतलब ए नाम से जो बंदा है ना उसी का नाम का एंट्री इस कॉलम में हो। और रेस्ट्रिक्शन और छोटा करना है, इतना ही लगा दो, बाकी समझ लो। इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए देन अलाउ, अदरवाइज नॉट अलाउ। तो नॉट अलाउड और लॉट तो लिखने वाला बात नहीं है ना यहाँ पे, तो एंट्री लेगा नहीं तो मना कर देगा। ये तो एंट्री डेटा वैलिडेशन है ना। कभी आप एटीएम में अपना कार्ड डाल के रॉन्ग पासवर्ड डाल दें तो रॉन्ग पासवर्ड डाल के क्या होता है, पैसा थोड़ी ना निकलेगा, वो दो बार चार्ज देगा, तीसरी बार तो ब्लॉक ही कर देगा। तो ब्लॉक नहीं करेगा, जिंदगी भर लगाते रहो, गलत पे गलत करते रहो, खाली वो मैसेज देते रहेगा, ठीक है। अब बताओ If name starts with A, then allow Amar, Amardeep, Anjali, Ankita, Anupriya, Ambala, Ashok, Arbal, Avinav, Avinash, Avinasi, Alamban, nahi, Akhand, Adwitiya, bolo to jaldi, kaun sa function lagega? Hum to bolte ja rahe, aap abhi tak function nahi socha. Agarwal, agar भी क्यों करते, पहले पहला तो बता दो तब भी करना है। सर्च तो ब्रजेश में भी ए आता है तो सर्च क्यों लगाओगे? पूरा इफ खत्म कर दिया आप लोगों ने, इतने डिटेल्स में चार दिन में इफ करवाया था। अरे लेफ्ट से पहला लेटर निकाला जाता है, इफ से थोड़ी ना निकाला जाता है, समझ रहे हो? लेफ्ट से पहला लेटर निकाला जाता है, इफ से थोड़ी ना निकाला जाता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा था और सिंपल जवाब भी है, जबरदस्ती का इफ सर्च फाइंड सब लगवा दिया। इक्वल्स टू लेफ्ट किसको चेक करेगा, इसमें जिसका नाम डालेंगे, कॉमा वन डालने की जरूरत भी नहीं है, हमको पता है कि लेफ्ट तो बिना नंबर ऑफ कैरेक्टर बताए भी पहला लेटर दे देता है। तो ये कुछ रिजल्ट देगा और अगर वो रिजल्ट क्या दे, ए दे, ये तो ऑलरेडी इफ लगा हुआ है इसमें ना, कि लेफ्ट से निकाल के पहला लेटर अगर बराबर हो जाता है किसके, एक बात करता तो क्या हो, मैसेज वगैरह जो करवाना करवा लो, कॉपी बेसिक फंक्शन पे काम नहीं करेंगे, फंस जाएंगे आप एडवांस में, बेसिक पे काम करना जरूरी है। देखते हैं लगा के, आनंद लेगा कि नहीं लेगा? अमित लेगा कि नहीं लेगा? राजेश लेगा कि नहीं लेगा? क्यों? अनुप्रिया लेगा कि नहीं लेगा? अंजलि लेगा? अनुपाल अब लेगा कि नहीं लेगा? आपके ख्याल से लगता है नहीं लेगा और बाकी सबके ख्याल से लगता है लेगा? आपके ख्याल से जो लग रहा है कि नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा? अरे बेटा लेफ्ट से पहले लेटर की बात होती है ना, मैं आगे पीछे कौन सा पूछ लगा हुआ उसे क्या मतलब है? अरविंद केजरीवाल की स्पेलिंग गलत कर दोगे तभी पर लेगा, अरविंद की जगह पे अविंद
केजरीवाल के जगह के खेजरीवाल लिख दे तब पेपर ले लेगा, नहीं मान लो स्पेल मिस्टेक कर दी तो क्या फर्क पड़ता, ए तो शुरू किया तो हमें तो ए से मतलब था तो ले लेगा, नहीं समझ में। बहुत इजी फंक्शंस यूज होते हैं डेटा वैलिडेशन में, लेकिन आप वो इजी वाले को सोच नहीं पाते हो इफ पढ़ाने के बाद, ये बहुत बड़ा डेंजरस बात है, दिस इज नॉट गुड साइन। चार दिन चला था हमारा इफ, तीन दिन चार दिन चला था इफ, और सोचो लेफ्ट भूल गए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इफ नेम स्टार्ट्स विथ ए एंड एंड्स विथ ए, इफ में भी बनाया था ये, जिसका नाम का शुरुआत भी ए हो और लास्ट भी ए हो तभी ले, जैसे अनुप्रिया ए से शुरू ए से खत्म, एस सूर्या, आशा, अभिलाषा, अंकिता, सारा लड़कियों का नाम नहीं, अनुरागा तो होता नहीं है, अरविंद केजरीवाल तो होता नहीं है, नहीं, जिसके नाम के शुरुआत में भी ए हो और जिनके नाम के लास्ट का भी वर्ड ए हो, चाहे वो सरनेम का हो या नाम का हो, वो तो लास्ट लेटर चेक करेगा फर्स्ट लेटर चेक करेगा, यानी दोनों ही लेटर चेक करेगा, तभी आपके पास इसका आंसर देना होगा। धन्यवाद। नहीं चला किसी का दिमाग, मिड लगेगा, लेफ्ट राइट लगेगा, मिड क्यों लगेगा, अरे पोजीशन नहीं पता होगा ना कि कहाँ पे ये शुरू है, लेकिन राइट की पोजीशन तो हमको पता है कि एक नंबर पे, और लेफ्ट की भी पोजीशन एक नंबर पे, उसमें तो नंबर डालना भी नहीं है, हमें तो पहला चेक करना और आखिरी चेक करना, ज़्यादा भी दिमाग लगाने से गड़बड़ हो जाता, सीधा दिमाग लगाओ, समझ रहे। लेकिन बात बनेगी कैसे, क्योंकि यहाँ तो दो फंक्शंस लगाने हैं, डेटा वैलिडेशन कस्टम दो है, तो क्या चीज से शुरू होगा, एंड से, लेफ्ट ऑफ दिस सेल, लेफ्ट तो खत्म हो जाएगा, इक्वल्स टू ए होना जरूरी है, क्योंकि ए हो भी सकता नहीं भी हो सकता, फिर कॉमा राइट इसी सेल का इक्वल्स टू ए हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो होगा तब मैसेज विशेष कर लीजिए, कॉपी पेस्ट स्पेशल वैलिडेशन ओके, अनु प्रिया लेगा कि नहीं लेगा, अंकिता, अनुराग, ये तो शुरू तो हुआ खत्म नहीं हुआ, नहीं अंजलि, अंजा तक छोड़ दे तो ले लेगा ना, समझ में आ गया, लॉजिक बढ़ाओ, सोचो अपने बेसिक फंक्शंस के ऊपर ध्यान दो, हाँ उसको तो ये वाले ए से मतलब है और इस वाले ए से मतलब है तो लेगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं, सोच के बताना, इफ नेम starts with capital A, अब small a भी रहे तो ना ले, find तो लगेगा इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि search तो किसी को भी ढूंढ लेता है, लेकिन क्या find के अलावा और कुछ लगेगा, starts भी तो है, left भी तो चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि एंड से शुरू करेंगे, एंड का मतलब ये थोड़ी कि दो फंक्शन आ गए तो एंड हर हमेशा एंड और डाल देंगे, तो लॉजिक का बात है ना, मान लिया जाए कि यहाँ पे कुछ नाम है लिखा ऐसा, तो
इक्वल्स टू लेफ्ट लगाओगे आप तो इसकी पहली पहली लेटर आ जाती है, और सर्च जब लगाओगे तो एंड की जरूरत थोड़ी ना है, या फाइंड लगाओगे, फाइंड क्या करना है, ए को फाइंड करना है, किस में, जो एक लेटर निकल के आया था उसमें, ये है ना फॉर्मूला, तो इसमें नहीं है, जिसमें है वो बता दिया, यानी जिसमें है उसमें नंबर आ जाएगा, जिसमें नहीं है उसमें एरर आ जाएगा, बस यही आपका आंसर है। कोई जरूरी नहीं है कि दो फंक्शन आएगा तो एंड से बार बार जुड़ेगा, तो एंड वो मतलब आसान हो जाएगा फॉर्मूला लगाना कि दो तीन आया बस एंड लगा दो आगे, नहीं ऐसे तो नहीं, इसमें तो एंड की जरूरत नहीं पड़ी ना, एंड की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आपने पहला लेटर चुना और उसमें ढूंढा कि ये है कि नहीं, तो या तो आंसर आएगा तो नहीं आएगा, या तो वन आएगा नहीं तो एरर आएगा, तो एरर वाले को तो अलाउ करेगा ही नहीं, जो अलाउ करेगा ये वन वाले को कर देगा, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है कि इक्वल टू वन। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे और यही फंक्शन अप्लाई करेंगे, कॉपी करेंगे, अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होता है। अनु प्रिया लेगा कि नहीं लेगा, क्यों नहीं है, अनु प्रिया लेगा कि नहीं लेगा, सोच के बताओ, हमें तो एक ही लेटर से मतलब ही तक पीछे कुछ भी रहे लेकिन क्यों नहीं लिए, स्पेस है, हमें तो बीच वाले का तो कोई मतलब ही नहीं, इस बार हमने थोड़ी अलग गलती करी है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, मतलब हर चीज पे ध्यान रखो, देख ध्यान से देखो कि गलती क्या किया, फॉर्मूला में जाके देखो, भाई जी में थोड़ी ने डाल रहे हो आप, ए में डाल रहे हो, तो लोकेशन किसका दोगे आप, ए का, उसमें भी ए वन का, नहीं ए वन में आप डालने वाले हो ना, आपने यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दिया, आप तो बोलोगे सर मैं तो सब चीज़ देखो यहाँ चल रहा है वहाँ नहीं चल रहा, अब यहाँ बात कर रहे हो इस लोकेशन का और बात लगाना यहाँ पे, बात समझ में आई कहाँ पे एरर हुआ, देखो ये सब माइंड पे इसीलिए दिलवा रहा हूँ, कैसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं लोग जानते हुए, कॉपी करते हैं, पेस्ट स्पेशल में वैलिडेशन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। अनु प्रिया लेगा, अनु अनुराग विराग क्यों स्टार्टिंग बी, क्योंकि हमने तो कैपिटल के लिए फाइल करवाया था ना। अंकिता अंजलि, अच्छा किसी का नाम ऐसे लिखा है तो बी आर ए जे ई एस एच, तब क्यों स्टार्ट तो भी से, ये तो यही पे छाट दिया उसको ना पहले ही, कि सेकेंड लेटर पे तो जाएगा ही नहीं, ये तो पहले ही लेटर सर्च किया है, ये तो बी वही तो नहीं, अगर सपोज अनुराग लिखा है अनुराग कैप्टन में लिखा तो लेगा ही लेगा, अच्छा मान लिया जाए अनु राग ऐसे लिखा है तो लेगा कि नहीं लेगा, अब नहीं लेगा, अब क्यों पहले लेटर से ही मतलब है, पीछे का कोई तो लेना देना है ये, पीछे आगे बड़ा है छोटा है ए है बी है, पहला लेटर का कैपिटल ए होना, इसके लिए हमें इन दो फंक्शंस के बारे में समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, क्या लॉजिक है इसके अंदर, ये वाला फंक्शन आपको कॉपी पेस्ट करके दे देता हूँ, इतना तो कर ही लेते होंगे अब आप लोग, क्या लगा है ये देखने के लिए, इतना तो कर लोगे ना, एक बंदा ने बोला सर ऐसे कॉपी पेस्ट कर दिया करो, मेरे को देख आराम रहता है देखने में, क्योंकि बेटा समझ गया तुम्हारा, इतना आराम हो जाएगा ना कि सामने रखा रह जाएगा फंक्शन और तुम देखते रह जाओगे और बनेगा कभी नहीं, ये सारी चीज़ें आप खुद से करो, जो पॉइंट्स पे ज़्यादा हाईलाइट करना है उस जगह पे आपको खुद ब खुद आंसर निकालना चाहिए।
क्लियर है? तो ऐसे जितने भी फंक्शंस फॉर्मूले पढ़े हो वो सारे फंक्शंस फॉर्मूले पे ये अप्लाई होता है, ठीक है? अगर आप फाइंड करोगे किसको, ए को, कैपिटल ए को, कहां, यहां पे, ये तो इसके बारे में भी आ गया, तब हमें एक और रेस्ट्रिक्शंस लगाना पड़ेगा कि वन ही होना चाहिए। अभी है कि अगर हम वो वाला मेथड अप्लाते हैं तो इजी रहेगा, बात समझे? अब इसमें वन होना चाहिए ना, छः होने से काम नहीं चलेगा कि कहीं भी ए मिल जाए तो दे दो। हमने तो बोला था, रेस्ट्रिक्ट किया था ना कि नाम कैपिटल ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो इसमें तो नंबर आ रहा है यानी कि इसको अलाउ कर देगा। जैसे आपने यहाँ पे फाइंड लगाया है, उसी में लगाओ। हाँ, उसी में तो लगाना है। इसमें इसमें लेफ्ट कैसे लगेगा? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेफ्ट किस में निकालेगा? टेक्स्ट में से निकालेगा, ये टेक्स्ट थोड़ी है, ये तो एरर है। शुरू से करेंगे, लेफ्ट दिस कॉमा फाइंड ए कैपिटल ए विद इन टेक्स्ट क्लोज करो, एक और ब्रैकेट, नहीं गलत हो जाएगा, गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखो ये वाले का भी नाम उठा रहा है ना, छठे नंबर वाले को भी तो उठा रहा है ना, हमें तो छठे वाले को नहीं उठाना है ना, हमें लेफ्ट, देखो लेफ्ट जो होता है ना, ये पढ़ो ना कि लेफ्ट कहता है कि कितना कैरेक्टर, ये कितना कैरेक्टर थोड़ी ना दे रहा है, ये तो वन कैरेक्टर आया तो वन ए ए उठा लिया और इसमें छः आंसर आ रहा था तो छः उठा लिया, तो गलत हो गया ना, हमें ये थोड़ी ना चाहिए। वन लेफ्ट जो पीछे कॉम्बिनेशन लगाया वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और आंसर पता नहीं किस मोड में ले जाएगा इसका, ठीक है? क्लियर हो गया? एक आध और क्वेश्चन करें, अगर मान लो यहाँ पे ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे ई लिखा है, अब इकट्ठा क्वेश्चन है कि ए वाले कॉलम में ए नाम का बंदा, बी कॉलम में बी नाम का बंदा, सी कॉलम में सी नाम का बंदा, डी कॉलम में डी, इतने दूर में एक ही बार काम कर जाए मेरा सारा, ए कॉलम में ए नाम का बंदा अपना नाम डाल सके, बी कॉलम में बी वाला बंदा डाल सके, सी कॉलम में सी वाला बंदा डाल सके, क्या करेंगे? अभी तक जो चल रहे थे ना बेसिक इंटरमीडिएट था, ये सब पार्ट जो है ना वो एडवांस है, और एडवांस के लिए हमें लॉजिक और ब्रेन दोनों चाहिए। ब्रेन है, लॉजिक नहीं लगाते हो तो भी नहीं चलेगा, लॉजिक है ब्रेन नहीं लगा रहे हो तो भी नहीं चलेगा। मतलब इसे अभी एक बताया था ना, समझ कि एक एक ही के लिए था ना वो, अब एक ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो कि ये सब पे अप्लाई हो जाए। सिंपल है, देखो जब हम डेटा में जाएंगे डेटा वैलिडेशन लगाने, ठीक है, सिंपल सोचो कि इक्वल्स टू क्या करते थे आप, लेफ्ट ऑफ दिस करते थे ना, और कॉमा वन करते थे या नहीं करते थे, है ना, इक्वल टू क्या हो, ए हो, तो ए लिख के नहीं ए सेलेक्ट कर लो, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तो अगले कॉलम में वो बी को प्रायोरिटी देगा, फिर अगले कॉलम में सी को, बट और भी है बात,
बात खत्म नहीं हुई है। अगर ये सीधे जाओगे तब तो ठीक है, नीचे भी तो जाना है इसको। तो देखो A1 ध्यान देना, A1 से B1 में जाना है, बट B2 में तो नहीं जाना है ना। ये जो 1 है ना, इसके आगे लगा देंगे डॉलर, मतलब जिसको रोकना होता है, रो को रोकना है तो उससे पहले डॉलर, कॉलम को इधर जाने से रोकना होता तो B के आगे डॉलर, कॉलम के आगे डॉलर, बस थोड़ा सा एक डॉलर यहाँ लग गया तो ये हो गया डायनेमिक। लगा के देखिए। अच्छा, इसको क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसको तो नीचे भी भरना है और आगे भी भरना है, ए से बी में भी जाना है, दो से तीन में भी आना है, तो नीचे भी जाना है, राइट भी जाना है, इसको फिर ही रखा। बट इसमें इधर तो जाने देना है लेकिन नीचे नहीं उतरने देना है, तो नीचे नहीं उतरने देना मतलब रो को रोक लेना है। कॉपी पेस्ट स्पेशल क्या चेक करो, बी फॉर रजास, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो कि सी वाले कुछ वर्ड लिखो, इसमें अगर वो एलिफेंट लिखने की कोशिश करेगा तो गलत हो जाए, इसका मतलब वो गलत जगह पे एंट्री कर रहा है। बात समझ में आया? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग, ई फॉर ईगल, नहीं पढ़े हैं ना बचपन में, तो ये सब इसी में चल सकता है। डी में आके डी वाले ही वर्ड लगेंगे, जैसे दीपिका, नहीं डिम्पल, और दीन बंधु, दिनेश, धोनी, नहीं डबरू, सी से काउ, कमाल, कमाल हो जाएगा फिर, सी से कोको कोला, कोक है ना, सी फॉर चंदन, नाम भी तो है, क्या बात है, चांदनी, ओ मेरी चांदनी, चांदनी हो गया, सुनाएगा ना ये वाला, और घुस जाओ अंदर टेबल के अंदर, हम सर पूछने, सब लोग एकदम सीधा तार के पढ़ रहे हैं कि हाँ, कि हम जोश में ही देख रहे हैं कि किसी तरह से सर का नजर ना पड़ जाए कि एक क्वेश्चन पे डाल देंगे, मिसाइल डाल देंगे सर ने, आप ठीक है, बाकी का टेंशन रहता है बस, बाकी सब तो ठीक ही रहता है। रो को फ्रीज करना मतलब रो को रोक दिया, वो एक से दो नहीं जाने दे, A1 को A2 में मूव होने नहीं देगा, फ्रीज करना, इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अभी वी लुकअप में बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा वैलिडेशन। फिर वही बात है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कस्टम वालों की कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड क्वेश्चन हो सकता है। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है, ये जो मोबाइल नंबर है ना, अब मोबाइल नंबर एक नहीं तीन रेस्ट्रिक्शंस लगाना है। पहला कि मोबाइल नंबर का नंबर होना जरूरी है, मोबाइल नंबर का 10 डिजिट का होना जरूरी है, और मोबाइल नंबर डुप्लीकेट एंट्री होने ही ना दे, नॉट अ डुप्लीकेट, नॉट अलाउड, मतलब एक बार हमने 926672 टाइप कर दिया है तो अगली बार कभी कोई एंट्री करेगा ना तो मैसेज आ जाए कि दिस नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, है ना इंटरेस्टिंग, लगाओ फिर। दो तक तो आप पता ही, आपको तीसरा भी कंडीशन लगने वाला है, तीसरा कंडीशन को पहले बाहर समझ लो फिर अंदर लगाना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ राहुल, और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ राहुल, और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, काउंट इफ रेंज कॉमा
क्राइटेरिया, क्या आंसर आएगा? अनुप्रिया क्या आएगा आंसर? कैरेक्टर को काम करके क्या देगा आंसर? फाइव। आप बताइए क्या देगा? अरे बेटा पूछ रहा हूँ क्या नाम है, तो बोल रहे हो हमारा अमेरिका से लेना देना है। मैं नाम पूछ रहा हूँ, आंसर पूछ रहा हूँ कि एंटर मारेंगे तो क्या आंसर होगा? 15। 5। लवली आप बताओ ना आंसर। मैं थोड़ी ना पूछ रहे कि आप हैं, दो आएगा, दो आएगा, पांच क्यों आएगा? वो तो लेन को, लेन जो होता है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर को काउंट करता है। यहाँ तो मैंने बोला कि इस डेटा में यानी इस रेंज में राहुल कितनी बार है। बम मारेंगे आप, गोली से भी काम नहीं चलेगा। टेबल टेबल के नीचे घुस जाते हो है कि ताकि सर का नजर ना पड़े। अच्छा एक राहुल और लिख देंगे तो क्या होगा? थ्री होगा। एक बीच में ब्रजेश भी डाल दिया तो क्या होगा? थ्री रहेगा, मतलब किसी दूसरे राहुल से कोई लेना देना नहीं। तो जब दूसरा राहुल लिखोगे आप तब ना ये दो होगा, बात समझे? दूसरा राहुल आप दोगे तो क्या हो जाएगा? ये दो। हम बोले दो होने ही नहीं देंगे, मतलब इक्वल्स टू वन, बात समझ भाई? ये दो तो तब होगा ना जब दूसरा डालेंगे, और डालने ही नहीं देंगे, बात समझ भाई? पहले लॉजिक समझो फिर लगाएंगे बाद में, क्योंकि लगाना बहुत आसान है। यहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ जाएंगे? कस्टम में, क्योंकि एक से ज्यादा है तो एंड तो आएगा। काउंट इफ रेंज हमारी क्या होगी? ये। क्राइटेरिया क्या होगी? ये वाली। बट इसका वन होना जरूरी है, क्योंकि अगर दो होगा तो फिर राहुल की एंट्री दोबारा हो जाएगी। तो राहुल छोड़ो, मोबाइल नंबर की बात करते हैं, मोबाइल नंबर की दोबारा हो जाएगी ना, 9266 एक बार, फिर दो, फिर और जितनी मर्जी उतनी बार डालते रहो। लेकिन उन्होंने इक्वल टू वन कर दिया, मतलब दूसरी बार एंट्री नहीं देगा। तो ये हो गया डुप्लीकेसी रोकने के लिए। दो पता ही है आपको, लेन जो होना चाहिए इसका इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, और तीसरा इस नंबर किसका, इसी का क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। एंड शुरू हुआ है तो एंड खत्म भी होगा। तो ये है आपके कहानी का आंसर, ये रहा आपका आंसर। देखो लगा के 9266 72821 लेगा कि नहीं लेगा? ले लेगा। 9310802800 लेगा कि नहीं लेगा? 11 डिजिट हो गया ना, 2 4 6 8 10 लेगा सेक्शन लेगा कि नहीं लेगा? सर मेरी 11 है, गिरो और नजदीक करो स्क्रीन को और बड़ा कर दूं। क्यों नहीं लेगा? अभी डुप्लीकेट कहाँ आया है? वो भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। 9910452811 ये भी थोड़े से वो कच्चा बादाम खाना जरूरी है, खाली बादाम खाने से नहीं होगा, कच्चा बादाम। 9266 72821 अब नहीं लेगा क्योंकि डुप्लीकेट है। किसी ने एक डिजिट कम कर दिया तो लेगा कि नहीं लेगा? 9266 72821 लेकिन वन नहीं डाला। लेंथ की भी तो कंडीशन है कि इधर छोड़ोगे तो इधर पकड़े जाओगे, इधर पकड़ोगे तो इधर छोड़े जाओगे। नहीं नहीं लेगा, इसलिए नहीं लेगा क्योंकि 9 डिजिट ही है, 10 नहीं है। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गया। ऐसे कई हजार लॉजिक बना सकते हो, बशर्ते ये वाला को याद रखना, बड़ी आप लोग आसानी से भूलते हो, मतलब कमाल एकदम ग्रीन ग्रीन कर दिया है पूरा टॉपिक। ये देखो एकदम ग्रीन ग्रीन हो गया, लेकिन सोच नहीं पाते हैं। वही इज नंबर,
वही इज ऑड इज इवन वही सब कुछ, लेकिन सोच नहीं, वही लेफ्ट वही राइट लेकिन सोच नहीं पाते, नहीं एंड और सब वही है। आप सोचो कि लेवल किस लेवल पे आपको बेसिक पे मेहनत करना है, क्योंकि बेसिक रहेगा तब लॉजिक सोच पाओगे। तो रोज की रोज आप अपना बना लो कि कम से कम बेसिक जो पिछले चैप्टर आपने पढ़ा उसकी थोड़ी सी रिकॉल करो, वीडियो देखो, रिकॉल करो, डिस्कशन के लिए बैठो थोड़ी देर, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके